Well, hello, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के डे नंबर 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? लास्ट फ्राइडे जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी एंड उसके थर्सडे रात को अगर कोई मुझसे आके कहता कि फर्स्ट वीक के बाद तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इंडिया में 47-48 का नेट कमा लेगी एंड वर्ल्ड वाइड 85 करोड़ रुपीस कमा लेगी तो मैं उसके मुंह पे हंसता, लिटरली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने यहाँ पे सरप्राइज किया है। सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है उसकी एग्जीबिटर स्ट्रेटेजी ने, जिस तरह से मेकर्स ने यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखाते हुए एक दिन 1+1 कोई दे सकता है, दो दिन पूरा वीकडे 1+1 रखा है। भैया खुशखबरी है कि कल आप लोग वापस से जोड़ियां बना के जा सकते हैं। फ्राइडे अगेन देयर इज 1+1 का ऑफर, ये ऑफर वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये ऑफर फिल्म के लिए यहाँ पर फायदेमंद रह रहा है। तो फिल्म इज ड्रॉपिंग वेरी मिनिमली, हार्डली 10% का ड्रॉप दिखा रही है एंड वीकडेज में थैंक्स टू द ऑफर फिल्म ने सस्टेन कर दिया है। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं डे नंबर 6 यानी कि वैलेंटाइंस डे की थी। तो कल रात को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरा सेंसिबल प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन रहेगा 6.5 करोड़ रुपए का। यस, वो फिल्म आइडियली 7 करोड़ टच करने वाली है, करके रहेगी, लेकिन आई केप माई प्रेडिक्शन लो। इवनिंग ऑक्यूपेंसी वॉज 24%, नाइट ऑक्यूपेंसी शॉर्ट टू 29 एंड इसी का कारण है फिल्म ने 7 करोड़ तो कमाया। द फिल्म क्रॉस्ड 7.21 करोड़। यस फ्रेंड्स, इस फिल्म ने 7.21 करोड़ कमाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। द 6th डे कलेक्शन ऑफ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वॉज मोर देन इट्स ओपनिंग डे। ओपनिंग इस फिल्म को 7.02 करोड़ की लगी थी, एडवांस तो हो ही नहीं रहा था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को भी इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी। ट्रेलर लेवल पर ही फिल्म लग रहा था कि नहीं चलेगी, लेकिन फिल्म अच्छी निकली, फिल्म जनता को सरप्राइज की, इसी का कारण है जनता ने इस फिल्म को यहां तक पहुंचाया है। इसी के साथ अपने 6th डे पर 7.21 करोड़ कमाकर इस फिल्म ने 6 दिनों में 44.12 करोड़ की कमाई कर ली है। यस, यू हर्ड मी राइट, 4.12 करोड़ इसका ग्रॉस होता है 52.92। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह की जो कॉमेडी फैमिली फिल्में हैं जिसमें अच्छे गाने होते हैं, अच्छा फ्रेश फील होता है, एक वाइब देती है, वो फिल्म ओवरसीज अच्छा बिजनेस कर रही है एंड इस फिल्म ने 6 दिनों में ओवरसीज 27.18 करोड़ का बहुत अच्छा बिजनेस किया। मीन 3 दिन में 20 करोड़ पार कर ली थी इस फिल्म ने एंड बाकी के 4 दिनों में इसने लगभग 7 करोड़ कमाया, जो काफी अच्छा नंबर है। इसी के साथ ओवरसीज 27.18 करोड़ यहाँ पर ओवरसीज ग्रॉस, इंडिया 52.92 करोड़ का ग्रॉस, ऑफिशियली मेकर्स ने यहाँ पर 80.10 करोड़। यस, यू हर्ड मी राइट, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया 6 डेज 80.10 करोड़, अ सरप्राइज। दिस हैज टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज इन द ट्रेड। अच्छी बात है, भले उन्होंने ऑफर रखा, उनको पता था कि उनकी फिल्म यहाँ पर ऑफर के साथ सस्टेन करेगी, तो दे सूटेड देमसेल्फ एंड इसने फिल्म को यहाँ पर फायदा उठाया। अच्छी बात यह है कि इसके जो एक्टर्स हैं यहाँ पर अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाले लोगों के लिए, लेकिन वो इंडस्ट्री में ज्यादा लोग लेने वाले नहीं है। ओके, क्योंकि इस तरह का ऑर्गेनिक सक्सेस लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, दे ट्राई टू गो ओवर बोर्ड। कल शाहिद कपूर एक थिएटर में छुपके खड़ा हो गया जाकर, अनोइंगली ऑडियंस को नहीं पता था कि इस शो में शाहिद कपूर आने वाला है, ना ही शाहिद ने सेलेक्ट किया पहले से थिएटर में जाऊंगा। सडनली शाहिद कपूर वेंट टू अ थिएटर, पूरा खचाखच भरा हुआ था, फिल्म बंद हुई, सबने शाहिद को देखा, क्या खुशी लोगों के मुंह पर, ऑर्गेनिक। एंड शाहिद जो कि इतना डाउन टू अर्थ नहीं है, पेपराजी के साथ अच्छी खासी भिड़न करते रहता है, वो उनको बोलता है काय को खड़े हो यहाँ पर, घर जाओ, क्रिसमस है ना, यहाँ को खड़े हो, खड़ा होना सुनाई दे रहा है मेरे को, तो इतना अच्छा भी नहीं है वो। लेकिन कल जब एनी वेंट यू नो टू द थिएटर, ही वॉज वेरी नाइस, डाउन टू अर्थ। ऑब्वियसली फिल्म जब नहीं चलती है तो आदमी का मूड एक अलग लेवल पर चलता है, कौन आदमी खुश एंड सक्सेसफुल नहीं रहना चाहता। ऑब्वियसली जर्सी की असफलता एक एक्टर को ऑब्वियसली अंदर से फ्रस्ट्रेट कर ही देती होगी, क्योंकि इतनी मेहनत लगाई थी उस बंदे ने इस फिल्म में। ऑब्वियसली फर्जी वॉज अ सक्सेस, बट ऑन OTT थिएट्रिकल सक्सेस इज वॉट पर्सन वॉन्ट्स एंड ऑर्गेनिक थिएट्रिकल सक्सेस जो कि शाहिद को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है एंड यू कैन सी द मूड ऑफ शाहिद। कल वो केक्स कॉफी शॉप में जाता था, कल केक पैन केक पूरा मंगा के खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो दिस इज वॉट सक्सेस डज टू एन एक्टर एंड इसी का कारण है। अब कल भैया, कल 1+1 फिर से रख दिया भाई, तो जाइए जोड़िया ऐश कीजिए जाकर। अब बात करते हैं शो काउंट की, दिस इज नाउ वी कम टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ द फिल्म।
ओके शो काउंट्स याद रखिए, कल गुरु रंधावा की फिल्म रिलीज होने वाली है, ओके और दो तीन और फिल्म रिलीज होने वाली है, तो इसको ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शोज कम होंगे। साउथ में भी अच्छी खासी फिल्में जो है, ममूती की फिल्म जो है आने वाली, ममूटी की, लेट्स सी क्या होता है। मुंबई में 797 शोज है, 12%, दिल्ली एनसीआर 1065, अगर कल 700 ही बचे तो बहुत बड़ी बात होगी, 11% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे 275 शोज में 13, बेंगलुरु 261 शोज में 12, 1+1 में थिएटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, F&B जो है ना, फूड एंड बेवरेज, उनका ज्यादा बिकेगा, एक आदमी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो एक की भूख दो की भूख ज्यादा होती है, अकेला जाएगा क्या खाऊंगा, अकेला बाहर जाके वड़ा पाव खाऊंगा, एक साथ में रहेगा चलना अंदर समोसा खाते हैं, अंदर पॉपकॉर्न पेल देते हैं, तो ये उनको फायदा है, F&B में फायदा है, उनको फायदा हो रहा है यहाँ पर, दे आर नॉट कंप्लेनिंग। बात करें हैदराबाद की, 177 शोज में 13% ऑक्यूपेंसी है, कोलकाता 239 शोज में 18, डूइंग गुड। अहमदाबाद 491 शोज में 7, एज यूजुअल वीकडेज में पब्लिक जाती नहीं अहमदाबाद सूरत में। चेन्नई 42 शोज में 31, रियल गुड। सूरत 234 शोज में जस्ट 6, एकदम खराब ऑक्यूपेंसी है। जयपुर 146 शोज में 16, चंडीगढ़ 124 शोज में 10, भोपाल 86 शोज में 9 एंड लखनऊ 165 शोज में 14। तो शो काउंट्स याद रखिए, कल देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने शोज जो है कम हुए हैं। अब किससे कंपेयर करोगे, कल से करोगे, 7 करोड़ से कंपेयर करोगे? नहीं, 7 करोड़ से कंपेयर नहीं करेंगे। बात करते गाइस यहाँ पर डे नंबर 4 की, यानी कि मंडे की, जो कि वर्किंग डे था, वहां इस फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की है, 3.75 करोड़ की। तो वहां से लेकर आज का दिन कंपेयर होगा, अगर 10% भी ड्रॉप आता है तो फिल्म कहीं ना कहीं 3.20 से 3.38 करोड़ कमाते हुए यहाँ पर दिखाई, कमाना चाहिए आइडियली, एंड माय प्रेडिक्शन इज 3.20 करोड़। आई एम गिविंग द प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन ओवर हियर, ऐसा नहीं ओवरबोर्ड जाके कुछ भी नंबर बक्के निकल जाऊं, 3.20 करोड़ डेफिनेटली फिल्म कमाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 बजे तक इस फिल्म ने ईमानदारी से 2.60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। नाइट बिजनेस ऑब्वियसली, एक 60 लाख कमाना रात के शोज में 8 से 11 या 12 कोई मुश्किल नहीं है इस फिल्म के लिए। तो अगर ये फिल्म आज 3.20 करोड़ कमाती है, फर्स्ट वीक टोटल ऑफ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया विल बी 47.32। म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फिल्म में सॉलिड गाने होना बहुत जरूरी है। अखियां गुलाब, इधर रेज गाना, एकदम मैड गाना है वो वाला, वो कितनी बार भी सुनो उसका असर खत्म नहीं हो रहा है, शायद बहुत स्मूथ मूव किया उस गाने में। सो गाइस 3.20 इंडिया नेट, 3.80 का ग्रॉस, ओवरसीज आएगा 1 करोड़ मिनिमल प्रेडिक्शंस। आज भी ये वर्ल्ड वाइड 4.80 करोड़ कमाकर वर्ल्ड वाइड जो है 7 दिनों में 85 करोड़ रुपीज कमा रही है, एंड इंडिया 47.32। तो ये सैटरडे आते आते या संडे आते आते ये फिल्म 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेगी, एंड इंडिया में देखते हैं कितना होता है वीकेंड के बाद, 57, 58। कल जब शो काउंट आएगा ना तब अपन डिस्कस करेंगे। आज की ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉज 8.35, आफ्टरनून टुक अ जंप ऑफ 11 एंड इवनिंग वॉज 11.20। ओके गाइस, सो मच के इन्फॉर्मेटिव एपिसोड, अब सभी लोगों को पसंद आएगा। भैया ज्ञान लेके जाते हैं भाई, लाइक देके नहीं जाते हैं, like DJ Y. Mama Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.